सूर्यवंशी कुमरावत तमोली समाज द्वारा नागपंचमी के पावन पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस बार भी चल रही भागवत कथा के विश्राम व हवन पश्चात भगवान श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर तमोली चौक से भगवान की मेवाड़ी भागवत पोथी यात्रा माँ नाग कन्या की झांकी व जूना शेषा अवतार की मेवाड़ी के साथ भव्य रूप से बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ शुक्रवार को प्रातः तमोली धर्मशाला में हवन पुराहुति ध्वज आदि के पश्चात तमोली मंदिर चौक से 1 बजे निकाला जाएगा। जुलूस में आगे आगे घोड़े पर ध्वजा व सकल समाज के युवा बुजुर्ग वरिष्ठ जनों के साथ महिलाएं बड़ी संख्या में साथ थे। नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ बरसते पानी में जुलूस तमोली मंदिर चौक से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सायंकाल 5 बजे मंदिर पहुंचकर मां आरती हुई। इसी क्रम में समाज की आराध्य देवी मां नई नाना देवी जूना नाना देवी मंदिर पर पूजा अर्चना कर नई माता जी के यहां आरती व प्रसाद वितरण हुआ। तमोली समाज के जुलूस का नगर में जगह जगह स्वागत किया व भगवान की पूजा अर्चना हुई। पूरे मार्ग में भागवत कथा के प्रसाद वितरण चलती रही। वहीं समाज द्वारा चल रही भागवत कथा समापन हवन जुलूस और महाआरती के बाद सकल समाज की महाप्रसादी हुई। सभी समाजजनों ने जुलूस में साथ रहकर भव्यता दी। उकड़ेश्वर से दशरथ नागदा की रिपोर्ट।